तो अभी आप लोग इस टाइम फ्रेम में आप लोग बाइक देख पा रहे हो HF डिलक्स जो कि 2023 मॉडल है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी का रिव्यू देने वाले हैं आपको और साथ ही साथ आपको साइड डिटेल इसी के बारे में बताने वाले हैं कि 2023 में जो नई वाली आ रही है उसमें क्या क्या अपडेट मिलने वाला है। तो इस बाइक को लेने का कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि ये वाली बाइक है ना, ये शाइन 100 से ज़्यादा मजबूत आती है और स्प्लेंडर से ज़्यादा सस्ती आती है। इसका बजट और जो इसके फीचर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्प्लेंडर से एकदम कॉमन है, स्प्लेंडर जैसे ही है परी, बस थोड़ी सी लुक्स है इसकी जो थोड़ी सी वो अलग हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको लेने के लिए एकदम बढ़िया बना देती है। तो अभी हम लोग इसी बाइक का रिव्यू करेंगे और इसका क्या क्या इसमें नए फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें नई अपडेट है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल एडवेंचर विद विनोद को। ये इसकी चाबी होने वाली है, चाबी बहुत बेसिक सी है, जैसे डुप्लीकेट चाबी बनती है ना वैसे करीब करीब इसकी चाबी है। तो ये भी कॉस्ट के चक्कर में इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड नहीं किया गया है, तो ये भी वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कुछ इसमें चेंज। पर ये इसका की होने वाला है, की कुछ ऐसी दिखती है। ये इसका मीटर है, इसको ध्यान मत देना क्योंकि अभी नई नई है, तो ये घर पे मतलब साफ़ सफाई के लिए रखा हुआ है तो उसको छोड़ देना। यहाँ पे ये इसका मीटर होने वाला है, आपको इसमें डुओ पोर्ट मीटर मिलने वाला है देखने के लिए। इसमें आपको स्पीडोमीटर और इसमें आपको किलोमीटर वो दोनों मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का ऑप्शन मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल हाई बीम और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलने वाला है हीरो के ब्रांडिंग के साथ। टर्न सिग्नल्स का यहाँ पे बाहर है ऑप्शन, जो कि स्प्लेंडर जैसा मीटर होता है, स्प्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मतलब कि ये डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी है ना उभरी सी है, स्प्लेंडर में ये उभरा नहीं होता, वो बिल्कुल सपाट होता है। और इसके जो ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्प्लेंडर में इतनी मजबूत नहीं होती, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसकी बात की जाए तो बटन थोड़े से बटन मतलब देखने से लग रहे हैं थोड़े से ऐसे रफ से हैं, ज़्यादा फिनिशिंग दे सकती थी कंपनी लेकिन पता नहीं क्यों फिनिशिंग नहीं दे रखी। ज़्यादा फिनिशिंग देंगे तो फिर इनके फिर वही कॉस्ट वाली बात आ जाती है आगे चल के भी, तो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है बाइक के अंदर इस वाली जगह पर, बाकी और जगह बहुत अच्छी फिनिशिंग है। ये इसका टैंक होने वाला है, तो इसमें आप लोग 9 लीटर टैंक में पेट्रोल डाल सकते हो, कंपनी बोलते हो वैसे 8 लीटर इसमें डलवाइए, क्योंकि इसमें आप लोग जो नोजल है ना, इससे इतना बड़ा नोजल होता है अंदर इसके, तो उसके नीचे ही होना चाहिए, तो 8 लीटर करीब वो आ जाता है। बाकी ये जो मेरे पास वेरिएंट है, ये सेल्फ स्टार्ट वाला वेरिएंट है। फ्रंट में जो चेंज मिलता है वो यहाँ पे एक डिज़ाइन मिलता है, जो कि इसमें आप लोग ऐसे लगता है कि बल्ब लगा हुआ है लेकिन कोई बल्ब है नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन कंपनी दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो होल जैसा लगता है देखने से, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। 3D लोगो दे रखा है हीरो का और बिल्कुल प्लेन वाइज़र है ग्लॉसी फिनिश के साथ, और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलती है सिल्वर, वही सिल्वर ग्रे और ब्लैक वाली। बाइक में अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है इंजन कट ऑफ का फीचर। यहाँ पर अगर आपका साइड स्टैंड गिरा होगा तो आपकी बाइक नहीं स्टार्ट होने वाली किसी भी कीमत में, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है देखने के लिए, जो कि फ्रंट वाली ब्रेक और रेयर ब्रेक दोनों पर है। अगर आप कोई भी एक ब्रेक लगाते हो तो आपकी दोनों ब्रेक अप्लाई हो जाएंगी। इस वाली बाइक में अगर हम लोग सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, सीट थोड़ी सी इसमें हार्ड मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अभी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब आगे चल के क्या होगा। लॉन्ग राइड पे आपको इसको ज़्यादा मज़ा तो नहीं आने वाला, पर शॉर्ट राइड्स के लिए, सिटी राइड्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा सीट वगैरह चेंज हो जाएगी तो ये इसमें ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस होगा। फिलहाल अभी ये स्टार्टिंग में तो मुझे हार्ड लग रही है देखने में, और सीट थोड़ी सी जो इसकी लंबाई है ना, आराम से इसमें कंफर्टेबली मतलब दो बंदे बैठ सकते हो, कई कई जगह 3 लोग बैठते हैं तो इसमें दिक्कत हो सकती है, 2 बंदे अच्छी खासी वेट के साथ इसमें बैठ सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोग सुनाने वाले हैं इस बाइक का साउंड, जो इंजन का साउंड होने वाला है वो कैसा होने वाला है। तो अभी मैं इसको सेल्फ लगा लेते हैं, और सेल्फ लगा के तो ये स्टार्ट हो गई है, तो अभी ये इसके इंजन से आवाज़ आ रही है, और अभी इसके साइलेंसर की आवाज़ देख लेते हैं। ये इसके साइलेंसर की आवाज़ है, तो इंजन की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब चलने में तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बाकी वैसे आवाज़ थोड़ी सी हल्की से ज़्यादा है क्योंकि इंजन अभी इसका नया है। तो ये लोग अभी आप लोग देख पा रहे हो, ये HF डिलक्स है जो कि 2023 में भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। आप लोग भी देख के समझ रहे होगे कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, इसमें बस बहुत बेसिक बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो चेंज हैं, लेकिन ये अपने आप में मतलब कि जौन सी अपनी स्प्लेंडर प्लस या जो स्प्लेंडर एक्सटेक आती है 2023 में, उससे प्राइस मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है। इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिलता है वो आपको मिलता है 97.4 CC का, आपको इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन मिलता है, जिसमें आपको जिसकी पावर मिल जाती है 7.191 BHP और 8.04
न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है इंजन से। तो ये इसकी थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो प्राइस वगैरह है उसका प्राइस क्या होने वाला है। तो इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस जो चंडीगढ़ में अभी इस टाइम होने वाला है वो होने वाला है आपको इसमें 86,000 रुपये में आपको ऑन रोड मिलने वाली है। और वैसे इसमें आपको ये 76,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस ये करीब करीब पड़ने वाली है, जो इसमें आपको जो सेल्फ वाला एडिशन है वो। और इसमें अलग अलग एडिशन है, इसमें आपको ब्लैक एडिशन मिल जाएगा, i3 एडिशन मिल जाएगा, और HF डिलक्स जो सा नॉर्मल एडिशन होता है वो है, और बिना किक वाला है, मतलब कि जिसमें आपको सेल्फ नहीं मिलेगी वाला एडिशन भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे कई मतलब 5-6 एडिशन है तो इस बाइक के। तो ये जो भी मेरे पास है ये मेरे पास अभी सेल्फ वाला एडिशन है, फेज़ 2 जो कि सेल्फ वाला एडिशन है वो है अभी हमारे पास। इसका प्राइस अभी इसके टाइम 86,000 रुपये ऑन रोड आने वाला है और 76,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस इसका होने वाला है। तो ये रही हमारी बाइक, और इस बाइक में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। फ्रंट में आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, बैक में ट्यूबलेस टायर अलॉय के साथ सिल्वर, और जो इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम है वो IBS मिलता है, और इंजन आपको इसमें स्प्लेंडर वाला 97.4 सीसी रेंज में आपको इंजन मिलता है। बाकी आप लोग लुक देख लीजिए कैसी आ रही है इसकी लुक, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ बाइक कैसी लगी और कौन कौन इसको 2023 में परचेस करने वाला है। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए।